किलकारी अभियान के तहत हाई रिस्क महिलाओं की जांच सोनोग्राफी खून चढ़ाने की जारी जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय पहुंचे सांसद विधायक सहित कलेक्टर रीवा। जिले में सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य विभाग लगाया है कैंप। हाई रिस्क महिलाओं की जांच सोनोग्राफी खून चढ़ाने की जारी जिला चिकित्सालय में। यहां पहुंचे सांसद विधायक सहित कलेक्टर रीवा। जिले के सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य विभाग ने इस समय लगाए हैं कैंप। रीवा के स्वास्थ्य महकमे में किलकारी अभियान की धूम मची हुई है। जिला अस्पताल में लगाया गया है विशेष शिविर। गर्भवती महिलाओं का चल रहा है स्वास्थ्य परीक्षण। सोनोग्राफी से लेकर खून चढ़ाने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला अस्पताल में किलकारी अभियान के तहत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षा तथा खून चढ़ाने के लिए विकास खंडवार शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प के निर्देश पर किलकारी अभियान की शुरुआत की गई है। पिछले चार दिनों से हर ब्लॉक में यह शिविर चल रहा है, जहां महिलाओं की जांच की जा रही है। सोनोग्राफी से उनकी जांच हो रही है, जरूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जा रहा है। इस शिविर का सर्वाधिक लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है जो गर्भवती है। सबसे बड़ी जरूरत उनकी एनीमिया की समस्या को लेकर है। खून की कमी, बच्चे के पेट में स्थिति, इन सारी बातों की जांच हो रही है। पहले सोनोग्राफी, उसके बाद पैथोलॉजी टेस्ट, जरूरत पड़ने पर खून चढ़ाने का इंतजाम भी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। रीवा के जिला अस्पताल में आज रीवा सांसद, रीवा विधायक, कलेक्टर सहित कई जिम्मेदार नजर आए। हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, रीवा विधायक कलेक्टर से बात की, साथ ही बाहर से जो महिलाएं हैं उनसे भी जानने समझने की कोशिश की। जिला चिकित्सालय में जिस तरीके की इस समय किलकारी अभियान की धूम मची हुई है, किसका क्या कहना था आप भी सुनिए। बच्चे को ठीक से जन्म नहीं दे पाती है और बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, यदि उनमें खून की कमी है तो मुझे बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एक ब्लड कैंप आयोजित किया था और जिसमें 450 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिसमें कलेक्टर साहब ने भी ब्लड डोनेट किया था, SP परिवार थे उन्होंने भी किया था और बहुत से नौजवानों ने और प्रबुद्ध लोगों ने जो डोनेट किया, उस ब्लड का आज उन गर्भवती गरीब माताओं बहनों को लगाया जा रहा है जिनके परिजन खून देने में डरते थे और गर्भवती होने के बावजूद उनको आवश्यक खून की कमी के कारण बच्चे का और उनका जीवन खतरे में रहता था, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हर जनपदों से ला के और आज यहाँ पर जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के हमला पूरा लगा हुआ है और उनको ब्लड चढ़ाने का काम, सोनोग्राफी की जाँचें हो रही हैं, तमाम तरह की खून की जाँचें हो रही हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कैंप है उसके कारण आज यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं और एक बहुत ही अच्छा ये नवाचार है कि हम कैसे इस प्रकार के जरूरतमंद मरीजों को लाएं और उनका इलाज करें। यहाँ पर बहुत सी आशा कार्यकर्ता हैं, बहनें अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुई है, इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ प्रॉब्लम जाती है, इनको सम्मान नहीं मिलता, अपमानित किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, इसका कैसे सुधार होगा इस पर? अभी कलेक्टर साहब ने इनके बातों को सुन लिया है और जहां कहीं भी, क्योंकि सम्मान तो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को देना और प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है और हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें तो बहुत मेहनत करती हैं। 1000 के पॉपुलेशन में एक आशा कार्यकर्ता, यदि मेहनत नहीं की होती तो आज यहाँ पर इतने गरीब माताएं बहनें गर्भवती जो हैं उनका आज यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा होता, तो इसलिए इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इनकी मेहनत का पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, इनकी ये भी शिकायत है, वो उस पर नोट कर लिया है, देखते हैं कि क्या पहले कैसा था और अभी क्यों कमी आ गई है, क्या ठीक हो सकता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। उनको यहाँ गर्भवती माताओं को वार्ड से लाया जाता है यहाँ, जिनको हीमोग्लोबिन कम है, 7% 9% 2% 3% से कम है, आयरन चढ़ रहा है, खून भी चढ़ रहा है, जांच हो रही है सभी, सोनोग्राफी भी हो रही है, सब हो रहा है। कितनी गर्भवती माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए एक किलकारी अभियान की शुरुआत की गई है और पिछले चार दिनों से डिफरेंट ब्लॉक्स की गर्भवती माताएं यहाँ आ रही हैं, उनका हर तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, सोनोग्राफी किया जा रहा है और आवश्यकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जा रहा है। हम लोगों की ये कोशिश है कि ज़िले की जितनी भी हाई रिस्क गर्भवती माताएं हैं उन सबको एक बार जिला अस्पताल में चेकअप करा दिया जाए
उनके सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाए और आवश्यकता अनुसार उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें और उसमें कोई तकलीफ नहीं हो। हमारा ये अभियान जो है वो बच्चे के जन्म के बाद उसके टीकाकरण होने तक चलेगा और ये कोशिश होगी कि पूरे ज़िले में इस तरह का एक वातावरण बनाया जाए कि हर गर्भवती माता की जो भी तकलीफ है उसको दूर किया जाए। गर्भवती माताएं कुछ ऐसे गरीब परिवार की भी हैं यहाँ पर आई हुई हैं जो बोली हमको भोजन भी नसीब नहीं होता, हम गोली खाकर क्या करें, वो महिलाएं कह रही हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था ऐसी है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए THR की व्यवस्था है और उन अगर ऐसी कोई लोग हैं तो उनको हम ये काउंसिल भी करेंगे कि उनके आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनको टेक होम राशन मिलेगा, वो भी उसको ले सकते हैं।